माता रानी की उपस्थिति श्रीपुरम में सदैव बनी रहेगी। उनके भक्त, उनकी प्रजा वैष्णवी की दया, स्नेह और ज्ञान को समस्त संसार में सदैव बांटते रहेंगे। बधाई हो देवी, आप तीनों की निष्ठा और आस्था के कारण ही वैष्णवी समस्त बाधाएं पार करती हुई आज यहां तक पहुंची है। महादेव, हम त्रिदेवियां भले ही वैष्णवी की मार्गदर्शक बनी, किंतु हमारा मार्गदर्शन हर क्षण आप तीनों ने किया है। तो हम मान लेते हैं कि हमने जो भी किया वो वैष्णवी की इच्छा शक्ति से ही किया, इसमें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है ना। अब शीघ्र ही उस समय का आगमन होगा जब वो अपनी साधना पूर्ण करेगी तो संसार को एक नई देवी मिलेगी। उसे सूर्य से अतुल बल मिले और चंद्र से शीतलता, उसके कार्य और प्रहार में वायु की शक्ति और गति हो, किंतु उसका हृदय गीली मिट्टी के जैसा हो जो संसार के समस्त दुख, पीड़ा और पाप को अवशोषित कर ले, संभाल ले, प्रकृति की ऊर्जा से उसकी आत्मा का उत्थान हो। इस साधना से न केवल उसकी शक्तियां जागृत होंगी अपितु वो सबसे शक्तिशाली, सबसे शांति प्रिय, करुणामय, क्षमादात्री देवी भी बनेगी। ये संसार अब सज्ज है जग जननी माँ वैष्णो देवी के लिए। वैष्णवी के साथ व्यतीत किए गए पर सत्य में अत्यंत मनमोहक है देवी। सत्य कहाँ देवी, मस्तिष्क से वो क्षण दूर होने का नाम ही नहीं लेते। नित्य दिन इसी विषय में सोचते रहते हैं। प्रतीत होता है कि हमने उसे जन्म जन्मांतर से नहीं देखा। उससे मिलने की ललक इतनी तीव्र हो रही है कि हमसे प्रतीक्षा ही नहीं हो रही है। व्याकुल है ये जानने के लिए कि ये संसार उन्हें माता रानी के रूप में कब दिखेंगे। हम भी व्याकुल है देवी कि कब वो अपने भव्य रूप में दिखेंगे। संपूर्ण गरिमा और महिमा के साथ
किंतु ऐसा कैसे संभव है महादेव? अभी तो वो घड़ी आई भी नहीं। ब्रह्मदेव, इस बात का भान तो हम सबको था, एक न एक दिन तो ये होना ही है। अविश्वसनीय किंतु सत्य, वो शीघ्र मुक्त हो जाएगा। तो अब हम क्या करें? ये हमारा नहीं, अभी तो उसका युद्ध है, वही संभालेगी इसे। किंतु कब? आइए, कोई प्रश्न है त्रिदेवियों के मन में? प्रतीत होता है कि हमारा और महादेव का प्रश्न एक ही है। नारायण, इस संसार को माता रानी के दर्शन कब होंगे? वो शुभ घड़ी आ ही गई है देवी। जब इस संसार को उसकी माता रानी का पता चलेगा, इस संसार ने जिस देवी की कामना की थी, वैष्णवी ने वो स्वरूप धारण कर लिया है। वैष्णवी ने अपनी दिव्य शक्तियों को जागृत कर लिया है। उसकी साधना अब संपूर्ण होने ही वाली है, किंतु सर्वप्रथम उसकी खोज और उसके दर्शन हमारा ही सातवां अवतार करेगा। See?